ठीक है, तो फिर हमने क्या कर लिया, अभी अभी हमने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी वन डिस्कस कर लिया, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा 113। अब आ जाओ 114 पेज पर। इसमें यही जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर टू। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे बोर्ड के लिए। क्या बोल रहा हूँ, BOARD वाला बोर्ड, ठीक है, प्लाई बोर्ड नहीं, BOARD वाला बोर्ड, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको रट जाओ, ये JK बोर्ड में आएगा, CBSE बोर्ड में आएगा, ठीक है। तुम JK बोर्ड से हो तो रट जाओ प्रॉपर्टी को, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ क्या सिंपल है वो देख लो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर टू है। प्रॉपर्टी टू में क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो स्क्वायर में ही आता है, तो स्क्वायर बोलने की जरूरत है नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए हमारे पास एक ऐसा कोई मैट्रिक्स है, देन क्या बोल रहा है कि जो ए का इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एक बात याद रखो कि इसको तो तुम्हें रट जाना है, लिख देता हूँ, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, महा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इसको प्रूफ करने से पहले, कि अभी मैंने इनवर्स के तुम्हें दो मेथड ऑलरेडी बता रखे, तीन मेथड से हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये तो हो गया मेथड नंबर टू इस फॉर्मूले से। एक मेथड मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल गिवन होता है, जैसे मान लो ए स्क्वायर माइनस 3A प्लस 4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो क्या बोलेगा कि देन फाइंड इनवर्स ऑफ ए, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तीन मेथड से हम निकालते हैं, बार बार याद रखो, पूरे इस मैट्रिक्स चैप्टर में हमारे पास तीन मेथड है जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ये मेथड तुम्हें ऑलरेडी पता है। एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स का कोई इक्वेशन देगा, बोलेगा ए इनवर्स निकालो, ठीक है, अब बोल देगा कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, देन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। या इस क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा कि कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे देगा, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे कुछ दे देगा 1 2 3 4, ठीक है, 2 बाई 2 ऑर्डर का, और बोलेगा कि ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहले ऐसे क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, पहले क्या बोलेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि शो डैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वो तो आता है, ए पुट करो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। मैंने रैंडमली मैट्रिक्स ले लिया है, हो सके तुम इस मैट्रिक्स को यहाँ पुट करोगे तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा, रैंडम मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि शो डैट दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसमें मैंने अपने 2-3 साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चों को मैंने कई बार बोला है कि वो क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो ए को ले जाके इसमें सेटिस्फाई करा के दिखा देंगे कि नल मैट्रिक्स है, ये तो वो दिखा देंगे, अब जो वो इनवर्स निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो बच्चे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शो डैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इनवर्स। उसका मतलब क्या है कि जो हमें इनवर्स निकालना है ना, वो इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, हमें इनवर्स इसी इक्वेशन से निकालना है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो इनवर्स कैसे निकालोगे, बहुत आसान सा, ए को क्या कर दिया, 3a प्लस 4i कर दिया, फिर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3a इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा प्लस 4a इनवर्स इंटू i, ये क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4a इनवर्स हो जाएगा, a के इसमें मिला दोगे तो i बन जाएगा, तो ये a हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या हो गया 4a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 3i, तो यहाँ से हमें a इनवर्स क्या मिल गया 1 अपॉन 4 a माइनस 3i, तो a इनवर्स हमें क्या मिला 1 अपॉन 4 a माइनस 3i। अब इसमें क्या करो, क्या यहाँ 1 अपॉन 4 लिखो, यहाँ एक 2 बाई 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखो, माइनस 3 लिखो, यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो 2 बाई 2 ऑर्डर का, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा है मेथड नंबर वन है, जो तुम ऑलरेडी जानते हो। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि इस पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में हम तीन मेथड से इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड नंबर वन,
ठीक है, दूसरा मेथड नंबर टू या फॉर्मूला। तीसरा मेथड जो होता है वो हम करते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या चीज़ है वो तुम्हें इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो तीन मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, क्लियर बोलेगा वो। अगर वो बोले कि कोई एक मैट्रिक्स दे दे और बोले कि फाइंड ए इन्वर्स, तब तो तुम्हारे पास आज़ादी है, चाहो तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो। अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं गिवन है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, या तो तुम एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल लो। ये क्या चीज़ है ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ डैट दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड ए इन्वर्स, तब तो तुम्हें करना क्या होगा कि पहले तो ये दिखाना होगा कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद तुम्हें ऐसे ही इन्वर्स निकालना होगा। कोई दूसरा मेथड अगर तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया ना बच्चे, ये सीधे कैंसिल हो जाएगा, 0 मार्क्स आ जाएगा ये फॉर्मूला लगा दिया तो, ठीक है। तो पहले ये इसको तुम दिखाओ सेटिस्फाई कर रहा है, फिर ऐसे करके इन्वर्स निकालो। अगर तुम्हें कोई मैट्रिक्स दे रखा है और सीधे बोले फाइंड ए इन्वर्स, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई जेई मेंस वाला क्वेश्चन है नहीं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। जेई मेंस में इनवर्स विनवर्स निकालने के लिए नहीं आता, जेई मेंस में इनवर्स यूज होता है, वो क्वेश्चन ही डिफरेंट होता है। मैंने कई सारे क्वेश्चन तुम लोग को करा रखे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो पहला उसका टाइप क्या होगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा बोलेगा कि इनवर्स निकालो, तो मैट्रिक्स सिर्फ दिया इनवर्स बोले निकालने के लिए, तो तुम फटाफट ये मेथड यूज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है और कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर इनवर्स निकालो, तो इस मेथड पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखा होगा और बोलेगा यूजिंग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वहां पे क्लियर मेंशन होगा यूजिंग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब इनवर्स निकालो। तो तुम्हें रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा। तुम अगर तुमने ये वाला मेथड यूज कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कहां पे थे, अभी हम लोग ये थे कि इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,